जापान सेवल में गणेश उत्सव के दौरान बनाई गई झांकियों सहित गणेश की प्रतिमाओं को देखने जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान ढोल ताशे और डीजे की धुन सुबह 5 बजे के लगभग भी जारी रही। वहीं पिछले बीते 2 सालों से शासन की कोरोना गाइडलाइन के चलते उत्सव फीके पड़ गए थे, लेकिन इस साल सभी उत्साहित नजर आ रहे। नगर में स्थानीय दुर्गा मंदिर से लेकर गायत्री मंदिर के निकट तक लंबी कतारों में सजे गणेश जी और सुंदर झांकियों को देखने जनसैलाब पहुंचा। वहीं दूसरी ओर भीड़ का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने लोगों की जेब काट दी। खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर बस स्टैंड के निकट लोग अपना पर्स ढूंढते नजर आए। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने बताया कि बीती रात जुलूस के दौरान अज्ञात जेब कतरे द्वारा उसकी जेब काट ली गई। हम गणेश जी उत्सव में आए थे, मेरा और मेरे फ्रेंड का एक पर्स चोरी हो गया था। मेरे पर्स में थे 1700 रुपये, तो अपने फ्रेंड जिसमें थे 3500। अच्छा, कहाँ मिला फिर पर्स आपको? पर्स अभी ये शुक्ला जी के पेट्रोल पंप के सामने। अच्छा, 10-12 और अन्य लोगों के भी थे, उसके हमारे डॉक्यूमेंट से मिल गए पर्स पैसे में। यहाँ क्या घटना हुई आप? मैं जा रहा था तो पर्स पड़े हुए मिले तो लोग बाग ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये कल रात जो गणेश विसर्जन हुआ उसमें? गणेश विसर्जन में हुआ।